Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I'm back with another video. So today's video is about the revision of some of the important adjustments which are expected in the chapter of final accounts in the examination as concerned. तो आज हम कुछ final accounts के basics के ऊपर बात करेंगे कि आपके paper में कौन से ऐसे adjustments हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और ये adjustments के सारे effects भी मैं यहाँ पे discuss करवाने वाला हूँ. सो अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो वीडियो लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट ऐसे वीडियोस आपको इन फ्यूचर में मिलते रहे. तो आइए आज बात करते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स. यूजुअली स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बट TY लेवल पे फाइनल अकाउंट्स काफ़ी ईजी है. तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो तीन लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. The first level is only profit and loss, the second level is balance sheet, and the third level is combined variety, जिसमें आपको P&L and balance sheet दोनों बनाने हैं. अगर हम P&L की बात करें तो we have a specific format of profit and loss, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि format को किस तरीके से याद रखें. अगर आपने Telegram का मेरा चैनल ज्वाइन किया है तो उसमें मैंने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट बैलेंस शीट का भेज दिया था. तो बेसिकली अगर आपके पेपर में ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम, वो वाला फॉर्मेट अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको फॉर्मेट इजीली याद रहेगा. बट बेसिकली वी हैव टू लर्न द फॉर्मेट, अनलेस एंड अंटिल यू आर कंफर्टेबल विद द फॉर्मेट यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ फाइनल अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस. ओनली प्रॉफिट एंड लॉस आया तो आप एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट करें, बिकॉज ये चैप्टर है बहुत इजी, लेकिन ये चैप्टर टाइम कंज्यूमिंग है. तो इसमें आपको फॉर्मेट बनाना है, देन वी हैव टू प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट्स, देन नोट्स टू अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन करना है, देन आपके फॉर्मेट में प्रेजेंटेशंस होंगे. तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी के चैप्टर से कम टाइम अगर देखे तो बाकी के चैप्टर्स में आपको टाइम कम लगेगा, इस चैप्टर में आपको टाइम थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगा. तो ओनली P&L के क्वेश्चंस आए तो आप अटेम्प्ट करें, ओनली बैलेंस शीट के क्वेश्चंस आए तो भी आप अटेम्प्ट करें, बट अगर कंबाइंड क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपको P&L एंड बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करना है तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज वहाँ पर आपको P&L का फॉर्मेट, उसके नोट्स, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसके नोट्स. तो अगर हम फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो फर्स्ट दो लेवल आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. अभी अगर हम एडजस्टमेंट्स की बात करें तो मैं कुछ आपको ऐसे एडजस्टमेंट्स बताऊंगा कि जो एडजस्टमेंट यूजुअली बार बार पेपर में पूछे गए और जिसमें आपको ध्यान देना है. नंबर वन है ट्रांसफर टू रिजर्व, इसमें आपको देखना है जनरल रिजर्व में आपको ऐड करना है और P&L अप्रोप्रिएशन में आपको ये लेस करना है. नंबर सेकेंड जो एडजस्टमेंट है वो है प्रपोज डिविडेंड का. देखो प्रपोज डिविडेंड भी बार बार पेपर में आया है, और डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, तो परसेंटेज आपको दिया जाएगा 5%, 6%, 7%, दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन शेयर कैपिटल. एक तो P&L में से लेस करना है, सेकेंड इफेक्ट आपको रिजर्व्स में से लेस करना है, और फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में उसका इफेक्ट देना है. नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स. अभी कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जिसका सिर्फ प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है. तो सन्ड्री डेटर्स में ऐसा एडजस्टमेंट आता है कि डेटर्स ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स एंड डेटर्स ड्यू फॉर लेस देन 6 मंथ्स. तो अगर हम ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स और लेस देन 6 मंथ्स की बात करें तो वी हैव टू जस्ट बाइफरकेट. से फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में डेटर्स दिया है 1 लाख रुपीज, और आपको एडजस्टमेंट में बोला है कि डेटर्स ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स इज 50,000. तो 50,000 मोर देन 6 मंथ्स के हो जाएंगे, बाकी 50,000 लेस देन 6 मंथ्स के हो जाएंगे. ये सिर्फ आपको प्रेजेंट करना है. सिमिलर एक एडजस्टमेंट पूछा जाता है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस. तो आपको क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दिया जाएगा और एडजस्टमेंट में बोला जाएगा इसमें से गुड्स का इतना है, तो गुड्स का अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया है तो आप माइनस करोगे तो आपको एक्सपेंसेस का भी मिल जाएगा. नेक्स्ट इज द एडजस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट. तो अभी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ऐसा एडजस्टमेंट आता है कि दे गिव यू द इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू इन द ट्रायल बैलेंस, और नीचे एडजस्टमेंट्स में बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स का फेस वैल्यू एक अमाउंट दिया जाएगा, मार्केट वैल्यू एक अमाउंट दिया जाएगा. दैट इज जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन. तो आपके जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है उसी वैल्यू को आप बाहर लिखे अमाउंट के कॉलम में प्रेजेंट करें, और नीचे ब्रैकेट में सिर्फ इतना प्रेजेंट करें कि द मार्केट वैल्यू एंड द फेस वैल्यू इज दिस. तो इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज दिया जाएगा. और ऐसे एडजस्टमेंट्स बार बार पूछा गया है कि मार्केट वैल्यू आपका एक अमाउंट स्पेसिफिक दिया जाएगा और फेस वैल्यू भी अमाउंट दिया जाएगा, दैट इज जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन. फिर कभी कभी ऐसा एडजस्टमेंट भी पूछा गया है जैसे लाइबिलिटी सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी असेट. फॉर एग्जाम्पल समझो एक बैंक लोन है और बैंक लोन के लिए आपने सिक्योरिटी रखा है स्टॉक का या लैंड एंड बिल्डिंग का, तो आपको बैंक लोन तो लाइबिलिटी साइड मेंशन करना है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के हेडिंग में वी प्रेजेंट बैंक लोन, तो आपको उसके लिए ब्रैकेट में नीचे प्रेजेंट करना पड़ेगा दैट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट
the asset, the secured against any asset which is the name given in the question. If it is secured against stock, we will present in the bracket as secured against stock. If it is secured against any land and building, plant and machinery or any kind of asset, hame sirf bracket mein mention karna hai. Long term borrowings ke heading ke andar hi aapka bank loan present hoga aur uske andar niche bracket mein aapko likh ke rakhna hai ki secured against asset. Samjho diya hoga secured against stock, to hum likhenge secured against stock. Samjho diya hoga secured against any land and building ya plant and machinery ya furniture, jo bhi koi asset hoga, us asset ka aapko specifically naam bracket mein mention करना होगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो मैंने अभी अभी आपको एडजस्टमेंट्स बताए. एक था हमारा ट्रांसफर टू रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. दूसरा है हमारा प्रपोज डिविडेंड. ट्रांसफर टू रिजर्व की बात करें तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं. एक, हमें कहां से माइनस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करना है, P&L में से जो एप्रोप्रिएट फैक्टर्स होते हैं उसमें से आपको माइनस करना है. और दूसरा इफेक्ट आपको जनरल रिजर्व में ऐड करना है. तो P&L जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, और नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद हम लोग उसमें से एप्रोप्रिएशंस को माइनस करते हैं. तो जो भी आपके एप्रोप्रिएशंस होंगे, एप्रोप्रिएशन जैसे कि इंटरिम डिविडेंड होता है वो एक एप्रोप्रिएशन है, प्रपोज डिविडेंड होता है वो एक एप्रोप्रिएशन है, ट्रांसफर टू रिजर्व होता है वो एक एप्रोप्रिएशन है. तो अगर आपको बोला रहेगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो आप क्या करना है, एप्रोप्रिएशन में से उसको माइनस करना है, और सेकेंड इफेक्ट आपको जनरल रिजर्व में उतनी वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा. तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. सेकेंड एडजस्टमेंट प्रपोज डिविडेंड का, जो हमने अभी डिस्कस किया, प्रपोज डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में दिया जाएगा, एंड प्रपोज डिविडेंड जितना भी परसेंटेज दिया होगा वो शेयर कैपिटल पे आपको ढूंढना है. तो डिविडेंड विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द शेयर कैपिटल. उसका भी इफेक्ट सेम है. पहला इफेक्ट आपको एप्रोप्रिएशन में लिखना है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में ही ये सब बातें हम प्रेजेंट करते हैं. तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपको P&L जो आएगा आपका लास्ट ईयर बैलेंस, उसमें ऐड करोगे नेट प्रॉफिट, उसमें से लेस करना है. और सेकंड जो हमारा करंट लाइबिलिटी में एक हेडिंग होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसके अंदर आपको लिखना है. तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी कर दिया आपको. ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होंगे. द नेक्स्ट एडजस्टमेंट कैन बी अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड परचेजेस. देखो अनरिकॉर्डेड सेल्स इज डिफरेंट एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड परचेजेस इज डिफरेंट एडजस्टमेंट. अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स आया तो आपको ऐड करना है सेल्स में, और आपको ऐड करना है डेटर्स में. और अगर अनरिकॉर्डेड परचेजेस आया तो आपको ऐड करना है परचेजेस में, और आपको ऐड करना है क्रेडिटर्स में. इतने एडजस्टमेंट्स है जो आपको ध्यान से याद रखने. बाकी के सारे एडजस्टमेंट्स नॉर्मली यूजुअली सेम पूछे जाते हैं. जैसे कि डेप्रिसिएशन की बात करें तो यूजुअली डेप्रिसिएशन तो आपको सबको इफेक्ट पता है, फिक्स असेट्स में से लेस करना है, और P&L में उसका इफेक्ट आता है. बाकी सारे एडजस्टमेंट ओवरऑल सेम लेवल पे पूछे जाएंगे. जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो उसका मैं इसमें पॉइंट ऐड नहीं कर रहा हूँ. बट दीज आर द सम एडजस्टमेंट्स विच आर यूजुअली एक्सपेक्टेड इन द पेपर. सो ये सारे एडजस्टमेंट्स को आप रिवाइज करें, प्रॉपरली फॉर्मेट को रिवाइज करें. अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो P&L के फॉर्मेट के ऊपर बनाता हूँ, सो दैट आपको P&L का फॉर्मेट भी थोड़ा क्लियर हो जाए. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर.